माँ। कहाँ चली गई थी तू? और ये तूने कपड़े कैसे चेंज कर लिए? अरे यार वो देखो। ओह बेबी। क्या देखूं? अरे यार उस लड़की ने सेम मेरे जैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो क्या हुआ? ओह ये। अरे यार तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या हम लड़कियां सेम कपड़े नहीं पहनती? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? फोन पकड़ चल अब। गर्ल्स विल बी गर्ल्स। लुका छुपी बहुत हुई। आ गई तू? कहाँ गई थी तू? पापा वो ट्यूशन पे गई थी। ट्यूशन पे तो नहीं गई थी तू। तेरे ट्यूशन वाले का फोन आया था मेरे पास। बंक मार रही थी तू। पापा वो अपने फ्रेंड के साथ ना आइसक्रीम खाने गई थी। ये जितनी भी आइसक्रीम खा रही है ना ये सारी आइसक्रीम निकाल दूंगा। अगर पेपरों में फेल हो गई तो तेरी जमादार से शादी करवा दूंगा मैं। सॉरी पापा। यार तू बड़ी खुश लग रही है। तेरा एग्जाम कैसा हुआ? यार एग्जाम के तो पूछ मत, बिल्कुल 0 नंबर आएंगे 0। क्यों? तू तो बड़ा पढ़ती थी, बड़ा ट्यूशन जाती थी, 12-12 बजे तक पढ़ती थी, अब क्या हुआ? अरे पढ़ती तो मैं बहुत थी और पेपर भी ना मेरे को पूरे 100 नंबर का आता था, बट ना मेरे पापा ने बोला था कि अगर मैं फेल हो गई ना तो मेरी शादी किसी जमादार से करवा देंगे। जमादार से? तू जमादार से शादी करेगी? अरे पागल तेरे को यही तो नहीं पता, मेरे को प्यारी जमादार से है। जमादार से? जब वो मेरा बॉयफ्रेंड था ना तो बहुत अमीर था, मैं उसको बहुत खर्चा करवाती थी, खाने पे खर्चा, क्लबिंग पे खर्चा, शॉपिंग पे खर्चा, और अब नौबत ऐसी आ गई ना कि उसको गलियों में झाड़ू मार के कमाई करनी पड़ रही है। बट प्यार तो अंधा होता है और मैं तो उसको बहुत सच्चा प्यार करती हूँ, तो शादी तो मैं उसी से करूँगी। और वक्त तो सबका बदलता ही है। ये पहन के जाऊं या ये पहन के जाऊं? महारानी साहिबा कितनी तैयारी कर रही है? पापा वो अपने फ्रेंड के साथ ना गोलगप्पे खाने जा रही थी। गोलगप्पे? तेरे बाहर की गड़िया वाला लग रही है, तेरे पर काटने पड़ेंगे। और आज तेरा रिजल्ट आना था और क्या रहा रिजल्ट का? पापा वो तो मैं फेल हो गई। फेल होगी? मैंने कही थी ना फेल होगी तो तेरी जमादार गला शादी करवाऊंगा। आ गया, देखो देखो वो आ गया। अरे कौन भाई? अरे पैरी पोड़ा ससुर की चाल है। कौन है भाई तू? किससे मिलना तेरे को? अरे अंकल जी आपको अपनी लड़की के लिए जमादार चाहिए था ना, मैं हूँ जमादारा का राजा, आपकी बेटी जमादारनी की रानी बनाकर रखूंगा। भाई हमें नहीं चाहिए कोई जमादार, चल यहाँ से तू। अरे अंकल जी सुने, मेरी मर्जी के बनाना गाड़ा आमदा सीवरा आमदा, एक पत्ता नहीं हलता और पानी नहीं लगता सीवरा आमदा है। अरे क्यों राजपाट आपकी बेटी का रहेगा, मेरी कल ब्याह करे बच्चे। आ गई मेरी रानी। तू भाई बाहर निकल, तू हमें नहीं चाहिए कोई जमादार, चल। भैया पेट्रोल सस्ता या डीजल? मैम पहले तो डीजल सस्ता था, अब पेट्रोल सस्ता है। तो आप एक काम करो पेट्रोल डाल दो। वैसे कितने रुपए किलो है? मैम ये किलो में नहीं होता, ये लीटर में होता है, पहले आप लीटर बोलिए। क्या भाव है? भाव मैम 78 रुपीज है इसका। भैया 78 नहीं है, पिछले वाले पेट्रोल पंप में ना 70 रुपए लीटर बोला था, लीटर किलो जो भी आप बोलते हो। भैया आप हम लड़कियों को देख के लूट रहे हो ना। मैम लड़कियों की बात नहीं है, ये सभी के लिए सेम लगता है और ये आपके लिए स्पेशल नहीं है, सभी का सेम है। हाँ हमें पता है भैया, लड़कियाँ देखने लूटपाट शुरू हो जाती है आप लोगों की। देखो 70 रुपए का डाल रहे तो डाल दो, वरना आगे भी ना बहुत पेट्रोल पंप है। अरे भैया आपको पता नहीं है कितने पुराने कस्टमर्स हैं हम आपके, 4 साल से ना डेली यहीं पे आके 3-3 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं हमें स्कूटी में। मैम रुको रुको रुको, पहले तो 4 साल नहीं, इसको 2 साल हुए पेट्रोल पंप को खुले हुए, और आप 4 साल से कहाँ से आ गए? अरे भैया देखो 2 साल इसको खुले हुए हो गए, उससे पहले 2 साल ना आपके मैनेजर के घर पे जाके उसकी गाड़ी से पेट्रोल डलवाती थी। अब आप 70 रुपए का डालो या आपके मैनेजर को शिकायत करो। मैम कुछ भी हो ये हम डिसाइड नहीं करते, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। पहली बात तो ये है, ये सभी का रेट सेम लगता है, आप कहीं पे जाके देख लीजिए। मैम आपको कितना चाहिए? ले जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। भैया आप एक काम करो 3 किलो डाल दो। मैम पहली बात ये किलो में नहीं आता, ये लीटर में आता है, पहले आप लीटर बोलिए। हाँ मतलब वही 3 लीटर डाल दो। भैया देखो पैसे सर 70 रुपए मेरे पास। मैम आप फ्री में ले जाओ और मेरा पीछा छोड़ो। तो एक काम करो आप टंकी फुल कर दो। मैम मैं टंकी फुल कर रहा हूँ, आप लेके जाओ और दोबारा यहाँ पे मेरे को मत दिखना। लो मैंने आपकी टंकी फुल कर दी है, जाओ अब आप। थैंक यू भैया, आपके ना मैं बहुत रेगुलर कस्टमर को डेली आऊंगी फ्री का पेट्रोल डलवाने, और अपने सारे फ्रेंड्स को बोलूंगी यहीं से पेट्रोल डलवा के जाए, फ्री का मिलता है। चलो भैया बाय बाय। क्यों हम लड़कियों को हल्के में ले रखे है क्या? हम कहीं भी मोल भाव कर सकती है। अरे सुषमा आज यार खाना खा ले। नहीं यार मैं डाइटिंग पे हूँ और मैं ये सब ना कार्ब्स नहीं खाती। अरे यार एक दिन में क्या होता है, चल आजा खा ले। अरे नहीं यार आप खा लो, मैं नहीं खाती, स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ मैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम खा लेते हैं। चल भाई यार बहुत टेस्ट की भूख लगी हो यार, सुबह से कुछ नहीं खाया। लग तो अच्छा रहा भाई, देखते हैं कैसा है। नंबर और भाई ये ले भाई। अरे आजा, कोई नहीं मत खाने दे। मम्मी 4 आलू के पराठे और भिजवा दो। ओए माँ आलू ले लो, आलू ले लो। जीला टॉप लागे लो कमरिया कमरिया। न सुबह से आलू बिका न कांदा। आइए आइए ओ आ गया पांडा। भैया ये कैसा दिया? आपके लिए 10 रुपए का एक है। भैया बहुत महंगा लगा रहे हो, सस्ता लगा लो। कोई नहीं 40 के 4 ले जाओ। भैया अभी भी महंगा है और सस्ता करो। और इससे सस्ता क्या लगाऊं? कोई नहीं 80 के 8 ले जाओ फिर। ठीक है तो आप ही भर दो। $70 के साथ। अरे भैया वो तो 70 के साथ दे रहे हैं, आप लूट रहे हो मेरे को लड़की देख के। ये आप ही रख लो, मैं वहाँ से ले रही हूँ।